आजा भैया, आजा भैया, देसी लोकल टमाटर वाली। चलिए दोस्तों बताता हूँ यार अभी कितने का सेलिंग किए उसको। ये देखो गिनती करके दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 6:30 और अभी मैं आ चुका हूँ बाड़ी पानी पलाने के लिए। ये देखिए दोस्तों इधर से पानी आ रहा है और सुबह सुबह देखो धुंधला छाया हुआ है, ठंड का दिन है तो, और कुछ इस प्रकार से पानी पला रहे हैं। ये धनिया का फसल है, इसी को पला रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक। और अभी धनिया मेथी भी हार्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों घर के बाकी लोग, उसको लेके मार्केट चलेंगे। उससे पहले यार इसको पला लेता हूँ, कल के इसमें खाद डाल दिए थे शाम को लेकिन लाइट ऑफ था ना तो पानी नहीं पला पाए थे, इसीलिए मैं सुबह सुबह यही काम में लग गया हूँ। अब तब तक घर के लोग हार्वेस्ट करके रखेंगे धनिया मेथी को। अभी दोस्तों मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, पानी पला रहा था उसके बाद डायरेक्ट नहाने आ गया था यार, इसीलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाया। और चलिए दिखाता हूँ दोस्तों कितना सारा मेथी हमने हार्वेस्ट किए हैं। ये देखिए दोस्तों इस साइड मेथी है, ये है 300 जूरी, कुछ इस प्रकार से जूरी बनाए हैं। और धनिया इस साइड है, ये देखो भाई ये रहा धनिया, ये 400 जूरी है। चलो अब गाड़ी को लोड कर लेते हैं। गाड़ी को भी लोड कर लिए हैं, ये देख सकते हैं दोनों साइड। चलो अब चलते हैं मार्केट। अभी दोस्तों मार्केट पहुंच चुके हैं और ये देखो भाई यहाँ पे रखे हैं अपने धनिया मेथी को एकदम खाली जगह में। ये देखो सबसे लास्ट साइड रखे, शुरुआत एरिया में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है इसीलिए मैं थोड़ा खाली एरिया में ले आया हूँ भाई। चलो अब बेचते हैं, देखते हैं क्या रेट टिक पाता है। 100 नहीं है, 100 रुपये मांग रहे हैं भाई मेथी को, 100-120 जा रहे हैं करके बता रहे थे। अब 100 रुपये तो मांग रहे हैं, देख लेते हैं 120 तक चला जाएगा तो नहीं जाएगा फिर 100 में ही देंगे। 140 भैया, 100 में नहीं है भैया, 120 पड़ी। 100 तो मांगा थे 250 भैया, 200 पड़ी भैया, वाजिब 120 है भैया, नहीं ऊपर से कम। धनिया को 150 मांग रहे हैं और मेथी को 110 रुपये तक मांगे हैं भाई। 120 रुपये तक बिक जाए तो देख लेते हैं वरना देंगे क्या करेंगे। अभी दोस्तों मेथी को दे दिए हैं 120 रुपये सैकड़ा में दे दिए हैं भाई। ये देखो ये ढक दिए हैं इसको और ये बचा हुआ है धनिया अपना, ले भैया बताओ 250 250 ले बता दो तुम्हें 50 का है। हाँ सैकड़ा का था कि किलो का था? सैकड़ा का है, सैकड़ा 100 रुपये थोड़े लगा दें, नहीं नान नान है क्या करबे उसने छोटे छोटे बांध दे। चलो गाइस अभी धनिया को शुरुआती एरिया में ले जाते हैं और वहीं से फिर मेथी को भी छोड़ के आऊँगा। अभी दोस्तों मेथी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ यार, धनिया को आई शुरू से हिस्सा में रख दिया हूँ। चलो अब इसको छोड़ के आते हैं उसके बाद धनिया को बेचेंगे। चलो गाइस व्यापारी आ चुका है, ये देखो भाई ये पिकअप एकदम अलग ही सेटअप है इनका, दरवाज़ा भी देखो लगा है दोनों साइड। चलो गाइस अभी झोला में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी दोस्तों मेथी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वो देखो भाई पिकअप के अंदर में भी डाल दिए हैं, एक हो चुका है। चलो अब पैसा भी हो चुका है, चलिए अब चलते हैं फिर से धनिया बेचेंगे यार, बचा है धनिया। अभी दोस्तों फिर से किसान मार्केट के पास पहुँच चुके हैं और ये देखो भाई मार्केट का हाल फुल भीड़ है। शुरुआत एरिया में इस बार ले आए हैं धनिया को और सब्जियां भी फुल रखा हुआ है, देखो फूल गोभी वगैरह, इस साइड भी लाल भाजी गोभी रखा है और फुल भीड़ है यार। शुरुआत एरिया कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहता है, क्या बोलते हो भांजे बिक गया?
भांजा भी लेके आया है धनिया, वो देखो सामने में रखा है, मेरा भी धनिया रखा है। और गोभी का रेट मस्त है भाई, 37-40 रुपए तक जा रहे हैं बोल रहे हैं। चलो बेचते हैं, देखते हैं क्या रेट तक बिक पाता है। अभी दोस्तों कमीशन मंडी के पास आए थे सब्जियां खरीदने के लिए, क्योंकि धनिया बिक नहीं रहा था यार, तो कमीशन मंडी आ गए टमाटर लेने के लिए, क्योंकि टमाटर बाद में बिक जाते हैं, इसीलिए तो एक कैरेट टमाटर लिए हैं, ये वाला टमाटर लिए हैं, एक कैरेट लिए थे, एक कैरेट और टमाटर ले लिए भाई। ये देखो ये 610 रुपए में मिला है, ये थोड़ा कच्चा कच्चा है इसीलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, शाम तक पक जाता है। चलो अभी इसको छोड़ के आते हैं ऑटो में। अभी दोस्तों टमाटर को ला के रख दिया ऑटो में। ये देखो भैया लोग सामान ले लिए। चलो अब मैं भी सामान ले लेता हूँ यार, अभी सामान नहीं लिया हूँ कुछ भी। अभी गाइस यहाँ पे आए थे, ये देखो यहाँ पे सेमी लिए हैं भाई 35 रुपए किलो में, 15 किलो। कल हरा वाला सेमी लिए थे, आज सफ़ेद वाला सेमी लिए हैं। चलो इसको ले चलते हैं ऑटो के पास। अभी गाइस सेमी को ला के रख दिए हैं ऑटो में। वो देखो भाई उधर है एक पन्नी चंदू भी है, एक पन्नी मेरा। चलो और कुछ सामान लेके आते हैं। अभी दोस्तों फिर से सब्जियां देखने के लिए आए थे किसान मार्केट के पास, लेकिन सब खाली हो चुका है यार, बिक चुका है। ये देखो फिनिश 2-4 दिख रहा है पालक भाजी वगैरह, लेकिन पालक भाजी अपने काम का नहीं है, भाजी वगैरह नहीं लेकर भाई दूसरा सब्जी रहता तो ले जाता। चलो अब चलते हैं यार, चंदू भी बैगन लिए हैं उसमें से रख लेंगे 10 किलो और सेमी हो जाएगा और टमाटर 2 कैरेट। अभी दोस्तों ऑटो के पास आ चुका हूँ और ये देखो यार सभी का सामान पैक हो चुका है, फुल है आज ऑटो। चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से घर यार। अभी बच गए हैं दोस्तों 2:30 और अभी मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, और आज मैं थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा जल्दी लग जाता है, इसीलिए जल्दी निकल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी दोस्तों मार्केट पहुँच चुके हैं और ये देखो सुनील भैया बस का सामान बचा है, बाकी हम लोगों का सामान उतर गया। इधर चंदू भैया का सामान रखा हुआ है, इधर मेरा सामान रखा हुआ है भाई, ज़्यादा सामान नहीं है अपने पास, 2 कैरेट टमाटर है और सेमी। चलो अब दुकान लगा लेते हैं। अभी गाइस दुकान लगा लिए हैं, ये देखो भाई 2 कैरेट टमाटर, सेमी 15 किलो और बैगन 11 किलो, और बगल में लाल भाजी पालक भाजी वगैरह आया हुआ है, कुछ इस प्रकार से लगा है मार्केट। ये देख सकते हैं ठीक ठाक सब्जियां दिख रहा है आज वैसे, ये देखो। और रेट की बात करें ना दोस्तों, तो टमाटर बिक रहा है यार आज 40 रुपये किलो, और सेमी अभी 15 रुपये पाव बेच रहे हैं, अब समय के हिसाब से कम भी हो सकता है, और बैगन 30 रुपये किलो, और समय के साथ 20 भी हो सकता है, क्योंकि रेट ना मार्केट तय करता है भाई, डिमांड अच्छा रहता है तो रेट ठीक ठाक चला जाता है, वरना डिमांड कम रहता है ना तो कम रेट में बेचना पड़ जाता है। चलो अब देखते हैं कैसा रहता है आज का मार्केट। आज अब ये टमाटर वाले 2 किलो 1 किलो। आ जा भैया देसी लोकल टमाटर में आओ, आ जा भैया खाना है तो सेब खाओ, आ जा भैया भाटा टमाटर सेमी वाले, आ जा भैया टमाटर अभी बज रहे हैं दोस्तों 6:30 और चलिए दिखाता हूँ क्या क्या सब्जी कितना सेल हुआ है उसको। ये देखिए दोस्तों लगभग 4 किलो के आसपास बैगन बच गए, 4 से 5 किलो हो गया यार, बड़ा बड़ा बैगन है, और सेमी लगभग 4-5 किलो बिका है मुश्किल से, बाकी सब रखा हुआ है, टमाटर 0.5 कैरेट के आसपास बचा हुआ है, और धनिया 3 जूरी बचा हुआ है। चलो कोई नहीं, जितना किस्मत में था उतना बिक गया। चलो अब सामान को उठाते हैं गाइस। सो दोस्तों अभी सभी सामान को उठाकर ऑटो में पैक कर दिए हैं। ये देखो भाई
और मेरा बस थोड़ा थोड़ा सामान बचा है, बाकी सब का बिक चुका है ना सर। जाएगा ना यार, कल बिकेगा आराम से, धीरे से बिक जाएगा भाई। ठीक चलो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से। अभी टाइम हो चुका है दोस्तों रात के 9:15 और मुझे आए हुए लगभग 40 मिनट हो गए यार आके। मैं आप पर तो सीधा खाना वगैरह खा लिया हूँ और सब्जियों की बात करें ना, चलिए कौन कौन सी सब्जी बचे उसको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सेमी बचा है लगभग 4 किलो, 3.5 किलो या 4 किलो है लगभग, ज़्यादा नहीं है। और बैंगन बचे है अपने पास 1.5-2 किलो, 2 किलो लगभग बैंगन बचे है। और टमाटर भी 2 किलो लगभग बचा है, और टमाटर को आते वक्त सेल कर लिया। टमाटर बचने के लिए ज़्यादा बचा था, लेकिन आते वक्त लगभग 9 किलो टमाटर सेल कर लिया भाई मोहल्ले में ही, दोस्त लोगों को कॉल करके दे दिया तो बिक गया यार जितना बिकना था। अब 2 किलो लगभग बचा है और सेमी बचा हुआ है वही 3-3.5 किलो लगभग। और चलिए दोस्तों बताता हूँ यार अभी कितने का सेलिंग किए उसको, ये देखो गिनती करके दिखाऊंगा। उससे पहले अपना इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ दोस्तों, तो अपना इन्वेस्टमेंट था यार आज 2010 रुपये का। अब 2010 रुपये के इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट किए हैं, लॉस किए हैं उसको गिन के दिखाता हूँ गाइस। तो ये 500 का नोट है दोस्तों, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19 और ये 20 और 10, 10, 20, तो 2020 रुपये है दोस्तों। और 2010 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट था, मतलब मात्र 10 रुपये अपने को अभी प्रॉफिट हुआ है। और मजा है ना, वही अपना प्रॉफिट है दोस्तों, जो सेमी बचा है और टमाटर बचा है 2 किलो और बैंगन बचा है 2 किलो के आसपास, वही सब अपना प्रॉफिट है। तो अब उसको कल सेल करेंगे यार, तो कल पता चलेगा कितने का बनेगा वो। और बाड़ी में का जो धनिया मेथी ले गए थे दोस्तों उसको भी बता देता हूँ कितने का बेचा हूँ। सो मेथी को दिए थे दोस्तों 120 रुपये सैकड़ा में, 300 जुरी था तो 360 रुपये का बन रहा था, लेकिन 350 ही दिया व्यापारी, 10 रुपये तो नहीं दिया। और धनिया में यार लॉस हो गया लगभग 150 रुपये, शुरू में मंगे थे और 200 रुपये में कल दिया था, तो मुझे भी लगा आज भी 200 रुपये चला जाएगा कि नहीं दिया, और बाद में 120 रुपये में सेल करना पड़ा यार धनिया को, तो उसमें भी लॉस हो गया। टोटल बात करें दोस्तों तो 350 रुपये का अपना मेथी हुआ और 120 रुपये सैकड़ा में 400 जुड़ी धनिया था तो वो बना था अपना 480 रुपये का, तो 350 प्लस 480 हो रहा है अपना 830 रुपये, 830 रुपये का अपना धनिया मेथी को सेल किए। तो आज के ब्लॉग को यही पेंट करते हैं दोस्तों, कैसा लगा आज के ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने को मिलता है गाइस अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।